हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सिलाई एंड ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी हुक लगाने का। कई बार ऐसा क्या होता है, हुक लगाने पर भी आपके जो हुक्स जब ब्लाउज पहनने पर हुक इधर उधर हो जाती है या सेट नहीं होती है, तो आपने किस तरह से हुक लगाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी जो हमारी ये आइस पट्टी होती है वो पतली होनी चाहिए। हुक की पट्टी भी जो हुक में लगाएंगे वो भी पतली थोड़ी होनी चाहिए। और इसे किस तरह से हम हुक इसमें सेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आपने इसको रखा, ऐसे बंद करके रखना है, उसमें मार्क कर लेना है अपने दोनों ही साइड से। देखिए, इस तरह से इसको रख के ऐसे रखकर और इस तरह से उठाना है, इस तरह से इसको पलट कर ऐसे, यानी कि आपकी जो हुक और जो आई बनाएंगे वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको मार्क करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। देखिए, ये जो हमारी यहाँ पर हुक लगेंगी और यहाँ आई जो हमारी ये दो सिलाई हुई है उसके मिड पूरे मिड में ये हमने इसमें काज बनाना है। तो ये हमने और ये जो हुक लगानी है वो अपने यहाँ पर लगानी है, यहाँ नहीं लगाना। यहाँ लगाने से हुक अच्छे से बैठती नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने किनारे पर लगानी है इसको। और हमेशा आपने हुक जो यूज़ करना है वो स्टील की हुक यूज़ करने हैं, क्योंकि अगर आप आयरन वाली जो लोहे वाली हुक यूज करने पर क्या होता है, पानी पड़ने से वो हुक खराब हो जाती है। और ये स्टील वाली हुक हमेशा अच्छी रहती है, हमेशा ऐसी ही चमकती रहती है। तो देखिए, इस हुक का हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ये हुक है, इस तरह से चमकती रहती है ये। और आयरन वाली हुक यूज़ करने से क्या होते हैं, वो पानी पड़ने पे खराब हो जाती है। तो इसी का यूज कर रहे हैं हम। यहाँ से देखिए हुक कैसे लगाना है अपने। हुक के लिए आप कोई भी सुई यूज कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि आपने तुरपाई वाली सुई से नहीं करनी है। मैंने इसमें तुरपाई वाली सुई से ही, जो हेम सिलाई जिसे करते हैं उसी से मैं ये हुक लगा रही हूँ। देखिए, हुक को ऐसे यहाँ रखा और पहले इसके होल्स जो हैं उसे हम फिल करेंगे गांठ सिलाई देकर। इस तरह से गांठ सिलाई देना है, अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। पहले एक होल को अच्छे से भरेंगे, फिर दूसरे होल में आएंगे। देख रहा है आपको, इस तरह से क्लियरली इसको पहले हम इस तरह से थोड़े से भी इसकी स्पेस नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो आपने लूज लगाएंगे तो जल्दी टूट जाएगी। इसलिए हमने इसको अच्छे से पूरे अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए, पूरे होल को इसको हम ऐसे, और आप अगर जल्दी करना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी ही आपको हुक लगाना है, तो आप इसको धागे को जैसे मैंने यहाँ पे डबल किया है, आप इसको फोर्थ जैसे फोर भाग लेके कर सकते हैं, डबल का डबल करके चार भाग लेकर उसे कर सकते हैं, तो आपकी जल्दी हुक कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से पूरे होल को हम दूसरे होल में आ गए यहाँ से ऐसे। जो मेरे बिगनर्स फ्रेंड्स हैं, अगर वो हुक लगाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो से अच्छे से सीख सकते हैं, या फिर जिन्होंने नए नए स्टार्ट किया होता है। सबसे पहले हमारी बेसिक क्या आती है, बेसिक में हमारी हुक आती है, हुक, हेम सिलाई, काज, कच्चा डालना, ये सब बेसिक। जहाँ भी आप सिलाई सीखने जाएंगे सबसे पहले बेसिक आपको ये सिखाया जाएगा। इसमें आपके हाथ जो साफ हो जाती हैं तब आपको मशीन पे काम दिया जाता है सीखने के लिए। अब देखिए, ये दोनों होल भर लिया हमने, अभी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे,
अंदर से लेके जाना है, ऐसे ऐसे किया और इसको इस तरह से, इसमें भी गांठ सिलाई देना है या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बंद कर सकते हैं मजबूत करने के लिए इसको, ऐसे। तो इस तरह से हमने हुक जो है लगा लिया और इसे अब कट कर देंगे यहां से धागा को। अब मैं आपको इसका काज बताऊंगी। इसमें हम जो हमने हुक लगा लिया, अब इसकी हम काज बनाएंगे। काज तो मैंने बोला था आपको, ये जो हमने डबल सिलाई लगाई है उसके बीच में बनाएंगे, यहां से इस तरह से। पहले तो हम इसको इस तरह से यहां तक, ऐसे धागा भरते जाएंगे, मतलब 8 या 7 बार तक इसको कर लेंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये जितने भी हमने इसको धागा को यहाँ पर 8-7 बार किया, अब इसकी हम गांठे बनाएंगे। इसको गांठ में ऐसे रख के सुई को ऐसे लगाएंगे और इसको इस तरह से गांठ लगाएंगे ऐसे इस तरह से। फिर इसको इस तरह से ऐसे गांठ लगाएंगे। देखिए धागा को ऐसे सुई के अंदर लेंगे और इस धागा को ऐसे करके गांठ लगाएंगे। पूरी साफ सुथरे से इसको करेंगे। फिर से इसको ऐसे किया और यहां से इसको ऐसे, देखिए इस तरह से पूरा लिया और ऐसे इस तरह से। फिर इसको लिया और ऐसे, फिर लिया। देखिए इसकी जो हम बना रहे हैं वैसे सुंदर दिखनी चाहिए, साफ सुथरी दिखनी चाहिए। फिर से ऐसे ही ऐसे और ऐसे इसी तरह पूरी एंड तक ऐसे। इसको भी अब नीचे ले जाकर धागा कट कर देंगे, नीचे गांठ लगाकर। तो हमने इस तरह से एक हुक लगाया और एक काज बनाया है। इसको ऐसे लगाकर देखेंगे, बाकी भी जो है इसी तरह से लगाने हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये 5 जो हमारे ये हुक हैं, हुक और काज दोनों कर लिए हैं। लास्ट वाला है वो मैं आपको एक बार और बता रही हूँ किस तरह से करना है। सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट वाला हमने किया था वैसे इसको ऐसे रखना है और ये होल को कंप्लीट करना है गांठ डालकर। इसको अच्छे से ऐसे रख के ऐसे गांठें डालनी है पूरा, गांठें डालते जाना है
अब ये वाली होल, चार पांच बार इस तरह से राउंड कर देंगे तो ये पक्का हो जाएगा। देखिए इस तरह से ऐसे। अब यहाँ से इसको गांठ लगा के कट कर लेंगे। और अब इसके हमने काज बनाएंगे। वैसे ही मैंने बताया था आपको, जैसे चार आठ या सात बार हमने इसको इस तरह से राउंड करना है। ऐसे करते जाएंगे। आठ या सात बार करने के बाद इसको गांठ लगाएंगे। गांठें ऐसे लगानी है इस तरह से। यहां से ऐसे अच्छे से इसको भी हमने बनाना है कि जल्दी, मतलब मोटा बनाएंगे कि टूटे ना जल्दी। इसको भी पूरा भर दिया हमने और इस दिखने में भी सुंदर लगनी चाहिए, इसमें भी साफ काम होना चाहिए। इस तरह से अब इसको नीचे की तरफ ले जाकर धागा को कट कर देंगे। देखिए इसे इस तरह से बंद कर लिया। तो इस तरह से हमारी ये पूरी हुक लग गई है, कंप्लीट हो गई है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।